Hey guys, welcome to my channel. आप देख रहे हैं लोकलूशन, जहां आपको मिलता है रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट के। तो गाइस, आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर के आई हूँ डर्म डॉग के फोमिंग फेस वॉश का। एंड दिस इज डर्म डॉग 1% ग्लाइकोलिक एसिड एंड 0% सैलिसिलिक एसिड जेंटल फोमिंग फेस वॉश, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ अपने चैनल पे। रिव्यू करने से पहले, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे, तो इट विल जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रिव्यूज बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट के। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइज, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो मेरे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब अपना रिव्यू शुरू करते हैं। दिस इज डर्म डॉग का जेंटल फोमिंग फेस वॉश, जो आता है 285 रुपीज का। MRP है इसकी 285 रुपीज, और 285 में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा 80 ml। ये मैंने पर्पल की वेबसाइट से खरीदा था, आप भी वहां से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और आप डर्म डॉग की भी वेबसाइट पे जाकर के इसको ले सकते हैं। तो डर्म डॉग की मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग दोनों इंडिया में हुई है, तो इंडियन ब्रांड ही है, आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर बात कर लें इस फेस वॉश की, तो ये आता है ऐसे पंप बॉटल में, ब्लू कलर की है। डर्म डॉग के ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो ये ब्लू कलर की इसकी बॉटल है। ये ऐसे इसका कैप ओपन होता है, क्योंकि फोमिंग फेस वॉश है तो नोजल आपको इसका ऐसा मिलेगा। काफी कन्वीनियंट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फ्लिमजी सा है या कहीं गिर जाएगा या स्पेल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके साथ में। ऑल स्किन टाइप है, पैराबीन सल्फेट फ्री है। और गाइस, इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो वैसे तो जो इनके की इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं वो इन्होंने बताया 1% ग्लाइकोलिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, जनरली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है, ठीक है, जो आपकी अपर डेड स्किन लेयर है उसको हटाएगा। इसके अलावा इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है, एंड सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि जितने भी पोर्स हैं उनको अनक्लॉग करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि जो भी एक्ने आपको इन फ्यूचर होने वाले हैं उससे प्रिवेंशन मिलता है। इसके अलावा जो ब्लेमिशेस होते हैं उनको फेड अप करने का काम सैलिसिलिक एसिड करता है। पोर्स अनक्लॉग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी, तो ये सारे बेनिफिट आपको इसमें मिल जाएंगे। और गाइस, ये पंप मैकेनिज्म इसका ऐसे काम करता है, आप जब इसको प्रेस करेंगे तो ऐसे जो फेस वॉश है वो ऐसे फोम बन के बाहर आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे, आपको 2 to 3 pump लग जाएंगे अपने फेस को पूरा क्लीन करने में। तो 2 से 3 pump लेना है, इससे अच्छे से मसाज करिए अपने फेस पे, उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात कर लूँ कि मेरे लिए इसने कैसा काम किया, तो गाइस मुझे ये फेस वॉश बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि अभी रिसेंट में क्या हो रहा था, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मुझे सूट नहीं कर रहे थे, तो उनसे मुझे एक्ने हो जा रहे थे। ये उनको कम भी कर रहा था, हेल्प कर रहा था उनको कम करने में, काम डाउन करने में, और मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रहा था, ठीक है। इस फेस वॉश से जब भी मैंने अपना फेस वॉश किया है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरा फेस ड्राई हो रहा है। हालांकि फोमिंग फेस वॉश जितने भी होते हैं उनको यूज करने के बाद ऐसा होता है कि स्किन जो है आपकी ड्राई होने लगती है, बट विद दिस फोमिंग फेस वॉश मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं किया इसने, बहुत जेंटली स्किन को क्लीन भी कर देता है बहुत अच्छे से। एंड अगर मेकअप रिमूवल की बात करूं तो नहीं, एक वॉश में ये मेकअप तो रिमूव नहीं कर पाता है। जो स्टबॉन मेकअप होता है, जैसे मस्कारा हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये उसको रिमूव नहीं कर पाता है एक बार में, आपको 2 बार तो उसको अच्छे से रिमूव करना ही पड़ेगा। बट अगर आप डेली पर्पज के लिए इसको देख रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करिएगा, हाईली रिकमेंड करूंगी मैं, स्पेशली जिनकी एक्ने प्रॉन स्किन है। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है, हर कोई इसको यूज कर सकता है, बट जिनकी एक्ने प्रॉन स्किन है उनको मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगी। एंड समर में वैसे भी हम कोई ऐसे फेस वॉश ही लेना पसंद करते हैं जो ऑयल और डर्ट को अच्छे से निकाल दे और आपको रिफ्रेशिंग फील हो, तो इसके साथ आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा एंड मैटिफाई कर देता है आपके फेस को। मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपके फेस पे कोई ऐसे शाइन सी दिख रही है, वैसा नहीं है, आपके फेस को मैटिफाई कर देता है एंड काफी टाइम तक आपका फेस मैटिफाई रहता है। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी आपको, आप जरूर इसको ट्राई करिए। और अगर आपने इस फेस वॉश को ट्राई किया है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स आपके लिए कैसा वर्क किया, ओके। और इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर देम। एंड इसके अलावा भी अगर आप किसी और फेस वॉश के बारे में या किसी और इंडियन ब्रांड के फेस वॉश के बारे में जानना चाहते हैं या आप जानते हैं कि वो अच्छा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगी उन पर भी रिव्यू बनाने की। एंड इसके जितने भी परचेज लिंक्स हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। सो दैट वॉज द रिव्यू, और मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर इंडियन ब्रांड और अदर इंडियन प्रोडक्ट। तब तक के लिए यूज इंडियन प्रोडक्ट, बाय इंडियन प्रोडक्ट, बी वोकल फॉर लोकल। और मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।